रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शॉट, माँ कहाँ है? माँ यही होगी, क्यों चिल्ला रही? अरे मैंने सब जगह देख लिया, माँ कहीं नहीं। उठ साक्षी, उठना। कॉन्डम्स फुल ऑन ठर किया है राहुल। टेक्निकली सिंगल है तो जो करना चाहता है कर सकता है। एटलीस्ट ही इज प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स। ओह माय गॉड, यू आर द बेस्ट। बहुत दिनों के बाद आज फैमिली का एहसास हो रहा है। कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि विक्रम जी मेरे बॉयफ्रेंड है? इट्स अ लिटिल टू मच फॉर मी। गिफ्ट है, पहनना है पहन लीजिए या तो फेंक दीजिएगा। वैसे ईशा, मुझे लगता है कि तुम्हारी चॉइस ना काफी अच्छी है, बिकॉज जो विक्रम ने शर्ट पहनी हुई थी ना, विक्रम उसमें काफी अच्छा लग रहा था। गुड चॉइस। एक बात बता, तुम्हारे और देवीना के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर है ना? एक्सक्यूज मी। अब देखो ना, आंटी और साक्षी तुम्हें यहाँ छोड़ गए, उसे साथ में ले गई। Or maybe they don't want you. What happened? Wait. एक सेकंड। What? पैरों को जमीन पे मत रखो यार, गंदे हो जाएंगे। मैं हूँ ना। Wait. Rahul, what? What? So good. I didn't know you're such a fab cook. What? Wait. अगर मिस्टर बेदी को पता चला कि मैं उनके घर पे ये सब कर रही हूँ, he's gonna throw me out. आई सुबह मुझे भी मार डालेंगे. Really? I mean, is he that old school types? No sex before marriage. ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तुम तीनों को लेकर ना थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं। I hope वो लोग अंदर ही है। राहुल की गाड़ी तो यहीं पर है, इसका मतलब कि राहुल और ईशा एक्सीडेंट से होने वाली मौत कैंसिल। I mean, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। Shut up, साक्षी। तुझे? अरे उससे कुछ नहीं हुआ, बस। I'm okay. वो क्या है ना, जरा सी मोच आई है। तो खुद का ध्यान नहीं रख सकती? But I'm okay now. तो गिरी कैसे? ईशा, are you okay? I'm fine. Are you okay? कैसे लग गई तुम्हें चोट? Is it hurting? No, I'm okay. राहुल ने मुझे खाना खिला दिया और पेन किलर भी दे दिया। I'm absolutely fine. तुमने अभी तक डॉक्टर को फोन क्यों नहीं किया? उसने बहुत बोला, but I don't feel like going to the doctor, please. मुझे नहीं जाना। अरे जाने को कौन कह रहा है, डॉक्टर यहाँ पर आ जाएगा। मम्मी, you call the doctor. Vikram, she's saying she's fine. तो डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? Oh God. Vikram. मम्मी, तुम घर जाओ. जाओ, please. Yes, doctor, I'm here. I'm sorry, but we have an emergency. तुझे फोन क्यों दिया है विक्रम जी ने? तेरा फोन है कहाँ? कब से फोन लगा रहे थे? बैटरी बंद हो गई होगी ना? अच्छा देखो, डॉक्टर को देखने देते हैं। थैंक यू सो मच विक्रम जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू। जस्ट विक्रम, प्लीज। नहीं नहीं विक्रम जी, हम आपको आपके नाम से कैसे बुला? कमॉन देव, ऑफ कोर्स बुला सकते हैं। आफ्टर ऑल इतना कुछ किया आपने हमारे लिए। कुछ सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? नो, नथिंग सीरियस, प्लीज, जस्ट स्प्रेन।
थैंक गॉड. अब एक्चुअली थैंक यू राहुल. कम ऑन, अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी हेल्प नहीं करती? तुमने ईशा के लिए खाना बनाया, तुमने उसे खाना खिलाया, खुद कुछ खाया भी कि नहीं? तुम भी ना, मुझे दो मिनट दो, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ. तुमने कुछ खाया? वो एक्चुअली रेस्टोरेंट पहुंचे तब साक्षी ने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन तुम लोग फोन नहीं उठा रहे थे और इतने स्ट्रेस में थे. वैसे थोड़ा सा पास्ता पड़ा, खाऊंगी. चलो. यप. Funny, no? Raul, you're really funny sometimes. I know that. Really nice. एक सेकंड. ये रहा तुम्हारा नया जोक्स के लिए स्टेशन. जोक्स के लिए प्रेस करें. ये किसका नंबर है? मेरा नंबर है. अपना नंबर खुद स्टोर किया? फ्लर्ट कर रहे हैं. चॉइस. एक लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है, फूल प्रूफ तरीका, फैमिली को इम्प्रेस करना. तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए बेबी, पेशेंस. ये फ्रेंडली डेट को रोमांटिक डेट में बदलने दो. अरे जैसे लड़का फटाफट आगे बढ़ रहा है ना, हमें तो लगता है तुम्हारे वेडिंग की तैयारी भी जल्दी करनी पड़ेगी. मैं अपना वेडिंग आउटफिट चूज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप ब्राइडल फैशन वीक में जाए. सी, मैंने ये दो आउटफिट चूज किया, आपको जो पहनना पहन लीजिए. ईशा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ब्राइडल शो में जाने का, मुझे सोमालिया जाना है यूनिसेफ की कॉन्फ्रेंस के लिए. तो मैंने कब कहा कि आप स्विट्जरलैंड मत जाइए? सोमालिया. Whatever, same difference. Oxymoron. विक्रम. अरे तुम कुछ मत बोलो भाई. थैंक यू. तो मैं ये कह रही थी कि आपको जहाँ जाना आप जाइए, बट ये फैशन शो के बाद. ईशा, you're not listening to me. मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत काम है मेरे पास, बहुत काम है. इसी तो इसको अपना जॉब बना लीजिए. विक्रम, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो मैं जो कह रही हूँ आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट. I'm sorry. Okay. Fine. अगर तुम सब कुछ प्लान कर ही चुकी हो तो राहुल को ले जाओ अपने साथ. क्यों? आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते? क्यों? तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? तुम्हारे साथ जाके क्या करोगे? तुम तो मॉडल्स को चेकआउट करने में लग जाओगे, उनको वो करने में लग जाओगे, पर विक्रम, विक्रम मेरे साथ रहेंगे. राहुल, एक काम करो, मलिक को भेजो यूनिसेफ के कॉन्फ्रेंस में. व्हाट बॉस, आपकी प्रेजेंस कंफर्म हो चुकी है. नहीं यार, मुझसे ज्यादा उन्हें मेरे चेक का इंतजार है. मलिक के साथ भिजवा देंगे ना चेक, और फिर मैं तो मिलूंगा सबसे अगले महीने वर्ल्ड समिट पर. थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट. सॉरी राहुल, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा. डोंट वरी, अगर तुमने अपना पार्टनर ढूंढ लिया तो मैं भी ढूंढ लूंगा. विक्रम, आपने गलत कोट पहनी है. How do I look? 24. मैं नहीं, रिसर्चेस. अगली बार मेकअप के बाद ना बुड्ढी लगती है. Whatever. You're so negative. देव कहाँ है? एक मिनट, ये पुशअप ब्रा की तरह आंखों में क्या लगाया है? I'll kill you. Not bad. लगता है आज मैंने गलत ड्यूटी पकड़ ली. वो क्या है ना, अगर तुम मेरी सीट के बगल में बैठोगी तो मेरा रोड पर ध्यान कैसे जाएगा? तो विक्रम ने शॉफर की ड्यूटी आपको दे दी है. At your service, ma'am. But so sad. कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मानी
तुम्हारे साथ आने के लिए। मैंने किसी से पूछा ही नहीं। क्यों? मेरे बिना अकेले ही रह जाओगे? पहले ही पूछ लेते शायद मैं ही मान जाती। तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूं? पूछोगी नहीं कि मैं किसके साथ जा रहा हूं? कौन? गाइस लुक, दी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल नहीं लग रही है? देवीना, यू लुक वेरी प्रिटी। नहीं, बेस्ट। यस एग्जैक्टली। बेस्ट तो मेरे लिए है मेरी ईशा। ईशा से ब्यूटीफुल तो कोई और लग ही नहीं सकता। डोंट बी स्टूपिड। नो। राहुल, तुम बताओ दोनों में से कौन बेटर लगता है? वेल, ये तो देखने वालों की आंखों में होता है कि वो कैसे देख रहे हैं। लाइक दिस है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। हमें तुम्हारी नजर से जज करने की जरूरत नहीं है। कैन वी लीव? श्योर, चलें। एक सेकंड, मैं अपना बैग लेकर आती हूं। ओके। क्या समझते अपने आप को? देवीना को इनवाइट करके मुझे जेलस कराना चाहते हो? Are you mad? वो सिर्फ मेरी दोस्त है। ये सोचना भी मत कि तुम ऐसा करके मुझे जेलस करा सकते हो। अपनी बहन के लिए तुम जैसे 36 को रिजेक्ट कर सकते हो। उसको यूज करने की कोशिश मत करना। तुम उसके टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो, समझे? वो भी मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं है, राइट? इस बात को अब यहीं खत्म करें? हाँ? मत करना। नहीं कर रहा हूँ। चले? चले? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों में से किसी एक को चूज करने का मेरा सिंपल सा क्वेश्चन एक दिन सबकी लाइफ में तूफान बनकर आ जाएगा।